हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल ऑनलाइन अर्निंग में। दोस्तों, संडे को जो हमने वीडियो पोस्ट किया था, जो कि संडे कमेंट बॉक्स था जिसमें लोगों के क्वेश्चन के आंसर दिए गए थे, तो उस वीडियो पे भी कुछ कमेंट आए हैं, तो इस वीडियो में हम उस वीडियो पे आए हुए कमेंट के जवाब ही देंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो किया है सौरभ कुमार ने किया है, और उन्होंने ये किया है कि सर, एक्टिव टास्क में डेली 6 रुपये देते हैं और गोल्ड प्लान में डेली कितने रुपए देते हैं। देखिए सर जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी आईडी एक्टिवेट होती है तो आपको 12 रुपये सेल्फ की इनकम होती है। सेल्फ के यानी कि 6 रुपये कैश वॉलेट की और 6 रुपये गिफ्ट वॉलेट की, और ये सिर्फ आपकी 6 रुपये की होती है। उसके बाद आप जितना मेहनत कर सकते हैं उतनी इनकम आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे कोई मेंबर डेली के 6 रुपये भी कमा रहा है, कोई मेंबर 12 रुपये भी कमा रहा है, और कोई 1500 रुपये, या कोई 2000, कोई 3000 रुपये डेली की भी इनकम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितनी इनकम कर सकते हैं, कंपनी देने को तैयार है, आप लेने को तैयार हैं कि नहीं है, ये आपको सोचना पड़ेगा। और जहाँ तक गोल्ड प्लान की बात है, देखिए गोल्ड प्लान में डेली की कोई सेल्फ इनकम नहीं है। इसमें जो प्लान दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे इनकम होती है। और प्लान क्या है उसको देखने के लिए आप पीडीएफ चेक कर सकते हैं, या तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो प्लान का आप गोल्ड प्लान का देख लीजिए, आपको सारा गोल्ड प्लान की डिटेल क्लियर हो जाएगी। एक वर्ड में किसी प्लान के बारे में नहीं बताया जा सकता है, उसके लिए उसका पूरे प्लान का आपको वीडियो देखना पड़ेगा। और इसी वीडियो पे एक और क्वेश्चन आया है, जो कि आया है रामवीर सिंह का, और इनका इन्होंने सबसे पहले तो नमस्कार किया, तो सर जी नमस्कार आपको भी। और इन्होंने ये पूछा है कि मेरी शिकायत ये है कि जब हम एक दिन टास्क कंप्लीट नहीं करते हैं तो उस दिन इनकम तो नहीं मिलती है, लेकिन जब सेकेंड डे जब हम टास्क कंप्लीट करते हैं तो उस दिन हमें टीम इनकम क्यों नहीं मिलती है, प्लीज़ गिव मी आंसर। देखिए, इसमें आपको ये कंडीशन लगी हुई है कि एक दिन आप टास्क कंप्लीट नहीं करते हैं तो उस दिन आपको इनकम नहीं मिलती है, ठीक है, और अगले दिन भी आपको टुमारो में भी इनकम नहीं मिलती है, क्योंकि आपका यस्टरडे का काम पेंडिंग होता है। तो यहाँ पे आपको 2 दिन की इनकम नहीं देने की बात कही जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आप इसका एक पॉजिटिव एंगल भी लेके चलिए, तो इसके बावजूद भी आपको पहले दिन टीम की इनकम दी जा रही है। यहाँ पे क्या कहा गया था कि आप एक दिन काम नहीं करेंगे तो आपको 2 दिन की इनकम नहीं दी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी आपको पहले दिन टीम की इनकम दी जा रही है, आपकी सेल्फ इनकम नहीं दी जा रही है, अगले दिन आपको दोनों इनकम नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पे आपको एक दिन का पूरा लॉस हो रहा है और पहले दिन का आपको सिर्फ सेल्फ इनकम नहीं मिली है। तो इसमें ये नहीं कि आपको दोनों दिन इनकम नहीं मिल रही है, लेकिन प्लान में तो ऐसा बताया गया है, आपको जिसने ज्वाइन कराया होगा उसने ये भी बताया होगा कि एक दिन अगर आप इसमें वर्क नहीं करते हैं तो आपको 2 दिन की इनकम नहीं मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और अगला क्वेश्चन है सुनील गोयल का, और ये पूछते हैं सर, यूटिलिटी से अपने अकाउंट में पैसा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए जी, सर जी, अपने यूटिलिटी वॉलेट से आप अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। आपका जो बैलेंस मनी है, आपके वॉलेट का जो बैलेंस मनी है 2 नंबर का, उसमें जब आपके 500 या उसके ऊपर हो जाएंगे तो आप उसे यूटिलिटी वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और आपके जब 1000 या उसके ऊपर हो जाएंगे तो आप उसे IMPS वॉलेट में लगा सकते हैं। वो IMPS वॉलेट से आप अपने बैंक में या किसी के भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा 5000 या उससे ऊपर जब आपके होंगे तो आप अपने ही बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाएंगे, अपने ही बैंक अकाउंट में विड्रॉल लगाएंगे। तो ये इस प्लान की कंडीशन है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है देसी विलेज FF का, और इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई मेरे वॉलेट में 448 प्लस हो गए हैं, फिर भी मेरे यूटिलिटी वॉलेट में पैसा नहीं आया, प्लीज़ रिप्लाई। पहले वाला जो 190 का जो विड्रॉल आता है वो इन्हें मिल चुका है, ये ऐसा ये कह रहे हैं। देखिए सर जी, आपको या तो अप्लाई ने पूरी कंडीशन नहीं बताई है, या और आपने PDF को भी रीड नहीं किया है, आपने
प्लान डाउनलोड भी नहीं करके देखा है, जहाँ पे फ्री टास्क लिखा हुआ है उसके ही जस्ट नीचे रेड कलर के बॉक्स में डाउनलोड प्लान लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके जब आप उस इसके पूरे प्लान को डाउनलोड करके देख लीजिए, उसमें पूरी डिटेल बताई गई है। और जैसे विड्रॉल के बारे में मैं आपको बता दूँ कि इसमें विड्रॉल जो लगता है 1 से 5 तारीख के बीच में विड्रॉल लगता है, और उसकी आने की डेट है 25 से 30, लेकिन अक्सर कंपनी 23-24 तारीख को सभी का पेमेंट कर दिया करती है। और हर महीने की 30 तारीख या 31 तारीख यानी महीने की लास्ट डेट को इसमें क्लोजिंग होती है। जब आपके वॉलेट की क्लोजिंग होती है तो आपका पैसा कहाँ चला जाता है, बैलेंस मनी में चला जाता है। जो आप 448 रुपये कह रहे हैं ये आपका लाइफ टाइम कैश मनी में होगा। तो लाइफ टाइम कैश मनी में वो पैसा होता है जो आप विड्रॉल कर चुके होते हैं वो भी शो करता है, और जो आपको आपकी इनकम बनी हुई होती है उसके विड्रॉल लेने के बाद वो भी पैसा शो करता है। आपका जो ओरिजिनल पैसा होगा जिसका विड्रॉल लगेगा वो बैलेंस मनी में होगा। तो 30 तारीख के बाद यानी महीने के लास्ट डेट के बाद जो जब आपके बैलेंस मनी में 500 या उससे ऊपर हो जाएंगे तो आप 1 से 5 तारीख के बीच में विड्रॉल लगा लीजिएगा, आपको विड्रॉल मिलेगा। तो आप प्लान की पूरी कंडीशन समझिए, इसके लिए आप प्लान का फुल प्लान का वीडियो देखिए, हमारे चैनल पे भी है, कंपनी के चैनल पे भी है। तो आप पूरे प्लान को जब रीड करेंगे तो आपको पूरी इसकी कंडीशन पता चल जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो संडे के वीडियो पे आए थे, तो जिसका जवाब देना मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगा, तो इसलिए ही सबसे पहले मैं इसका ही वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अर्निंग से रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।